डार्क मोड 3.0 और ये डार्क मोड ओल्ड 0.0 जो कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ और शायद ये अभी आप यूज कर रहे होगे। तो अगर आप भी चाहते हो कि डार्क मोड का लेटेस्ट वर्जन जो कि 3.0 है यूज कर पाओ और साथ साथ अपने बैटरी को काफ़ी ज़्यादा सेव कर पाओ ताकि आपको बैकअप अच्छा मिले और आपको बैटरी से रिलेटेड ज़्यादा इश्यू देखने को न मिले, तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से आप इस डार्क मोड 3.0 का बेनिफिट अपने रेडमी MI या पोको के किसी भी डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको अपने फोन को ना ही रूट करना है, ना ही बूटलोडर अनलॉक करना है, ना ही टीडलॉर पे डालना है, यानी बस बिल्कुल सा सिंपल सा एक तरीका है जिसके हेल्प से आपको बस एक सिंगल टैप पे इस फीचर्स को एक्टिवेट करना है। बस वीडियो को पूरा वॉच करते रहें और भाई कंप्लीट हो जाने के बाद बैटरी सेविंग का मजा लें, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि एंड्रॉयड 11 आने वाला है जो कि मन्नू कुमार जैन की तरफ से शेयर किया गया था और जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को वॉच किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किन डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 11 मिलेगा और किन के लिए एंड्रॉयड 11 का अपडेट नहीं। एंड्रॉयड 11 के साथ 12.5 एक नया सीरीज अपडेट आने वाला है सभी रेडमी MI डिवाइसेज के लिए, जिसके अंदर कई सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि कुछ उनमें से फीचर्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बैटरी का नया स्टाइल देखने को मिलता है जबकि ये नॉर्मल अपडेट में हमें नजर नहीं आता है। साथ साथ यहाँ पे जो एनिमेशन है क्लीनर का ये नया देखने को मिलता है, वेदर का लुक हमें नया देखने को मिलता है, ऐसे कई सारे नए लुक यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि हमें 12.5 के साथ स्टेबल अपडेट में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो अपडेट आएगा हर एक डिवाइस के लिए काफ़ी आगे और काफ़ी पीछे देखने को मिलता है, यानी हर एक यूजर्स को एक साथ देखने को नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो दे रखा है कि किस तरीके से अपकमिंग फीचर्स का बेनिफिट आप अभी के अभी यूज कर सकते हो विदाउट अपने फ़ोन को अपडेट किए हुए और ना ही रूट किए हुए। उसके लिए आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो सारा बेनिफिट आप ले पाओगे आने वाले फीचर्स का। लेकिन इसके बाद एक और अपडेट आ गया हमारा जो डार्क मोड का जो कि 3.0 है, जो कि आज आप यूज कर पाओगे इस वीडियो को वॉच करने के बाद, जो कि मैं इस फ़ोन में यूज कर रहा हूँ EU का वीकली अपडेट फ्लैश करने के बाद, जिसके लिए रूट करना पड़ता है, टीलोर पे डालना पड़ता है, बूटलोर अनलॉक करना पड़ता है, तब जाके हम इस लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पे विदाउट ये सब किए हुए यूज कर पाओगे आप, बस उसके लिए टेलीग्राम पे मैंने जो कुछ एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे शेयर किया है, इसको डाउनलोड करना है और अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है। तो एक है सेटिंग और दूसरा है जो सिस्टम UI कंट्रोलर। तो बस आपको सेटिंग को क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है, यानी अपने होम का जो सेटिंग है उसे अपडेट कर देना है। और ये बिल्कुल ही ऑफिशियल APK के है, कोई भी थर्ड पार्टी या अनऑफिशियल नहीं है, तो टेंशन मत लेना। लेकिन ये सेटिंग का APK ओनली ऑन एंड्रॉयड 10 वाले डिवाइसेज पे काम करेगा, एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 9 पे काम नहीं करेगा, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना। जैसे ही इंस्टॉल होता है यानी सेटिंग आपका अपडेट होता है, यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है और शो कर रहा है। और अब हम आते हैं अपने डार्क मोड पे, तो नया डार्क मोड का लुक देखने को मिलता है जो कि मैं यहाँ पे दूसरे फ़ोन के अंदर यूज कर पा रहा हूँ EU के एक लेटेस्ट वीकली बीटा बिल्ड के अंदर। और ये सेम फीचर्स आ चुका है मेरे स्टेबल रोम के अंदर जो कि पोको का X2 डिवाइस है। तो आप देख सकते हो सेम फीचर विदाउट रूट के एक्टिव हो चुका है बस एक सिंगल टैप करने के बाद। तो इसका बेनिफिट आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो। सेकेंड में दूसरा जो APK है वो हमारा जो वॉल्यूम स्लाइडर का। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास वॉल्यूम स्लाइडर ओल्ड है और इसे इंस्टॉल करने के बाद नया लुक देखने को मिलता है जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है EU के लेटेस्ट अपडेट के अंदर। अब ये अपडेट हो जाने के बाद हमारा नया वॉल्यूम स्लाइडर देखने को मिल जाता है जो कि विदाउट रूट के आ गया बस सिस्टम ऐप को अपडेट करने के बाद। तो इस तरीके से आप इन एप्लीकेशन का यूज करके लेटेस्ट अपकमिंग फीचर्स का बेनिफिट ले पाओगे। और अगर आपको लगता है कि ये APK आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम कर रहा है या आपके फ़ोन के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप इसे इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग प्रेस करना है अपने सेटिंग के ऊपर, आई बटन पे जाना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट आएगा, इस पर टैप कर देना है। टैप करते ही आपका जो APK है लेटेस्ट वाला वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और जो ओल्ड सेटिंग का APK था वो वापस आ जाएगा। आप देख सकते हो आ गया। अब इसे ओपन करके फिर से हम आएंगे डिस्प्ले की ओर, तो देखेंगे हमें ओल्ड लुक देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हो और लेटेस्ट फीचर्स का बेनिफिट भी आप ले सकते हो विदाउट किसी छेड़छाड़ के, और इससे आपके फ़ोन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और अगर आप इस वॉल्यूम ऐप को भी अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने सिक्योरिटी ऐप पे आना होगा और यहाँ पे आपको मैनेज ऐप पे जाके शो ऑल सिस्टम ऐप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करके
करके उसे अनइंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से आप अपने ऐप्स को अनइंस्टॉल करके ओल्ड वाले पे जा सकते हो और अपडेट करके लेटेस्ट वाले पे जा सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और भाई बेल आइकन पे सेट कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को वॉच करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ आपको बताया है जिसकी वजह से आप पूरे सिस्टम यानी फ़ोन के सेटिंग और फीचर्स को अपडेट कर पाओगे जो कि हमें आने वाले टाइम में मिलेगा और कोई फिक्स नहीं है कि कितना वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।